लेटेस्ट वीडियोस और न्यूज के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज पंच। कई व्यक्तियों की आदत होती है ना टोकना, उस टोकने की आदत को आपको दूर करना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति को टोकना नहीं चाहिए, किसी भी काम के लिए घर से निकलो। हमने कई जगह मंदिरों में बैठते हैं, पूजा करते हैं, व्यक्ति पहले ही टोक देता, अरे पंडित जी ऐसे नहीं, ऐसे होना था। आपको ज्ञान है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो और भी बढ़िया, परंतु क्या है, पहले आपको उस बात को समझना चाहिए, वेद पुराणों की बातें समझना चाहिए, किस प्रकार विधि कर रहे हैं। आप उस पे मत जाए जो आपने देखा है, आप उस पे जाए कि क्या कर रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं, बच्चे को बोल दिया जाओ बेटा मंदिर जाओ, मंदिर जा रहा है, मंदिर में प्रवेश किया नहीं, पीछे से टोक दिया, अरे सुन। तो इस प्रकार कभी टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। मंदिर में प्रवेश करें, आज सब ने मंदिर बड़े ऊंचे ऊंचे तरीके से बना दिया। आप पुराने मंदिरों में जाओ, सिद्ध पीठों में जाओ, आज भी मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो छोटा हो। क्यों? क्योंकि अभिमानम प्रावृतम, अभिमान जो व्यक्ति होता है, जिसको अभिमान होता है मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत यश है, बहुत विवेक है, मैं तो जो हूँ, वो आखिर उस मंदिर में जाकर भी देहली पर झुकेगा, झुक कर जाना चाहिए। अगर गेट ऊपर भी है तब भी झुक कर उस मंदिर के अंदर प्रविष्ट करना चाहिए, प्रविष्ट करें, मंदिर में जाएं पूजा अर्पण के। कई लोग क्या करते हैं, जल लेके आते ऐसे पकड़ते, जल चढ़ाने के लिए इस प्रकार का हाथ नहीं होना चाहिए, आप लोटा लेके ऐसे ले जाए, नहीं, जल को इस प्रकार से भाव से ले जाना चाहिए। मंदिर में जाएं, जल अर्पण करा आपने, गणेश जी, माँ भगवती, कार्तिक जी, नंदी, सर्प, शिव आदि, गंगा जी को जल चढ़ाया, जल चढ़ा के लोग जल चढ़ाते फटाफट, ऑफिस की देरी हो रही है, फटाफट ऐसे फेंकते हैं जल, जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम दे दिया, सौंप दिया। फिर उसमें भी जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद जैसे जल चढ़ाने आए थे वैसे चल दिए, नहीं भक्त, मंदिर में जब जल चढ़ा रहे हों तो जल चढ़ाने के प्रसाद कैसे भगवान की तरफ मुख होना चाहिए, उल्टे पैर, पीठ भार की तरफ हो और उल्टा भगवान की तरफ पीठ नहीं करनी, ऐसे ऐसे आए थे दर्शन करने के लिए और ऐसे ही पीछे जाना है, फिर ऐसे घूमकर आप सीधा घर ओर जाएं। ये नहीं कि आप ऐसे निकले थे और ऐसे ही बाहर आ गए, भगवान की तरफ पीठ हो गया, ठीक है फॉर्मेलिटी निभाई और चल दी, नहीं, भगवान की तरफ पीठ होकर नहीं जाना चाहिए। पीठ पर एक रात में चा कहते हैं कि इसी प्रकार ना टोक लगानी चाहिए, कोई काम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, उससे पहले ही आप टोक लगा दें वो कार्य कभी सिद्ध नहीं होगा, इसलिए टोकना नहीं चाहिए, रोक टोक नहीं करनी चाहिए। मंदिर में विशेषकर देव कार्य के लिए, आप देव कार्य के लिए निकले हैं, आपने टोक नहीं लगानी है। आप ऑफिस के लिए कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, उसमें टोक नहीं लगानी चाहिए, पीछे से बोलना नहीं चाहिए। आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, बच्चा कहीं अच्छे काम के लिए जा रहा है, पढ़ने लिए पीछे से टोक ला, अरे बेटा ये ले जा, पहले से उसका बैग बना दो, उसका अनर्थ तो अरिष्ट हो जाएगा, उसका अरिष्ट होगा तो आपका अरिष्ट होगा। बच्चे को भेज दिया शिक्षा के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, और पीछे से उसको टोक लगा दे, आधे रिश्ते, आजकल के जनरेशन, आजकल के माँ बाप, आजकल सब ऐसे हो गए, उस समय याद नहीं आते, बाद में याद आते, अरे रुमाल तो ले जा, टोक लगा दी, घर आता है निराश हो जाता है, मेरा कार्य तो बना ही नहीं, कहाँ से बनेगा। मंदिर गए, मंदिर में उसने विचलित हुई फटाफट जल चला, क्यों, पीछे से टोक लगा दी, ढंग से पूजा करके आना, हाँ तो क्या, सारी चीज़ें व्यर्थ कर देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे मन से, शुद्ध मन से मंदिर जाओ, पीछे से रोक टोक नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को पूछ कर यज्ञ करें, अच्छे कार्य करें, सही दिशा में मंदिर जाना चाहिए, किसी भी भगवान की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए, जाएं सीधे भाव से और उसी भाव से उल्टे पैर वापस आएं और फिर भगवान का ध्यान करते हुए अपना मार्ग चुनें। सत्य सनातन धर्म में ये आवश्यक है, हर व्यक्ति को मंदिर अवश्य जाना चाहिए, अगर अपने कर्म सुधार ने अपने भाग्य सुधार। लेटेस्ट वीडियोस और न्यूज के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज पंच।